हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को हेलो कर रही थी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुलगुले या पुए, जो भी आप बोलते हैं। मेरे ससुराल में गुलगुले बोला जाता है और मायके में पुए बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया गेहूँ का, उसमें मैंने डाली है सौंफ और चीनी, और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। और साथ में डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब मैं इसमें ये तेल। काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लफ़ी से बनते हैं, सॉफ़्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो मेरा जो घोल है वो थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन अब मैं इसमें और आटा डाल के इन्हें बहुत सारे नहीं बनाना चाहती हूँ। जबकि मेरे घर में ना विपिन को भी ये पसंद है और तन्मय गुड्डे को भी पसंद है, लेकिन फिर भी ये इतना घोल काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कढ़ाई में ये रिफाइंड गर्म कर लिया है और मैं इनको बना लूँगी। और देखना, ये बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। अभी आपको लग रहे होंगे ना जैसे ये फूलेंगे नहीं, लेकिन ये फूलेंगे, आप देखना। इनको डालने के बाद बिल्कुल भी इनको चलाना नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देखिए बड़े आराम से, और देखिए कैसे फूले फूले बन रहे हैं, गोल गोल, जैसे कि गोल गप्पे हों, फूल गए हैं। तो मैं इनको जो है थोड़ा सा करछी से अलट पलट लूँगी। और देखिए मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे गुलगुले जो हैं वो बन भी चुके हैं। तो आज हमारे यहाँ पे ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे पूजी जाती है माता। जन्माष्टमी के बाद जो भी कहते हैं, मतलब कौन सा दिन आता है, उस दिन माता पूजते हैं। और पता है आप लोगों को, भयंकर बारिश आई है और मैं नहीं जाऊँगी माता पूजने, क्योंकि वहाँ पे डोल पे चलना पड़ता है, जो कि बहुत छोटी सी है, जिस पर मुझसे नहीं चला जाएगा। बारिश होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा, क्योंकि मिट्टी की है, गीली हो गई होगी। तो ये मैंने थाली लगा दी है, विपिन को दे दूँगी, ये जाकर पूज कर आएंगे। बच्चों की माता होती है ये, आप में से भी जाने कितने लोगों के यहाँ होती होगी। तो नमकीन जो है गुलगुले भी बनते हैं और मीठे भी बनते हैं, चीनी वाले भी और नमक वाले भी, और आटे से ही बनते हैं। तो कुछ तो नमक वाले मैंने बना दिए थे, थाली में लगा दिए थे, कुछ और बना रही हूँ। तो इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ ये माता पूजी जाती है, आप में से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजी जाती होगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। अभी इसी कढ़ाई में रिफाइंड निकाल के मैं इसमें भिंडी छौंक दूंगी, मैंने काट के रखी हुई थी। प्याज ले लेती हूँ, खूब सारा प्याज, भिंडी में अच्छा लगता है। मैंने बना दिया है, मतलब कि सब्जी बना दी है, आटा गूंथ के रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर, क्योंकि मेरी जो ये वाली साड़ी है ये प्रेस होकर आई थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज भी इसी में डाल के रख देती हूँ। तो मैंने ये सारी साड़ियाँ बाहर निकाली, जो भी मेरी साड़ियाँ एक साथ रखी थी। अब क्या हुआ कि मुझे ब्लाउज नहीं मिल रहा है। अब ब्लाउज में ऐसा नहीं, मतलब मैंने रखा था तय करके अलमारी में ही, लेकिन वो जो है अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने किधर रख दिया। कई बार चीज़ें क्या होता है ना, आंखों से बचती हैं, होती हैं आपके साथ ना, चीज़ें आपकी आंखों से बचती हैं जबकि वो आपके सामने ही होती हैं। तो अब मैं दोबारा से मैंने सोचा कि चलो ऊपर की अभी अलमारी सेट की थी, और मैंने मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे, और दोबारा से सेट करूंगी, क्योंकि वही है कि ब्लाउज ढूंढना है मुझे। पहले उन बैग में चेक करूंगी, फिर इधर चेक करूंगी। तो चलो ये फिला रखा, और ये सामान मैंने मंगाया था अमेजोन से, ये वाला, तो ये भी आपको दिखाऊंगी। छोटी मोटी चीज़ें मंगाती रहती हूँ, फिर बोलते दिखाऊंगी भूल जाती हूँ, जैसे मीशो का वीडियो कभी बोला था, तो अभी दिखाऊंगी। अब वही रहता है, अगर स्पॉन्सर वीडियो होता ना तो वो टाइम से बन जाता है। अब जब खुद से मंगाते हैं तो हम करते रहते हैं कल परसों ऐसे। तो चलो मैं ये सेट करती हूँ पहले सामान।
ये रहा। ये साड़ी आप सबको बहुत प्यारी लगती है और सच बताऊं मुझे भी मेरी फेवरेट साड़ी और बहुत ही हल्की सी है। और पता है क्या, मैंने अपनी दो साड़ियां अभी तक पहनी नहीं है, नई रखी हुई है ब्लाउज सिलाए हुए। तो ये है एक साड़ी, इसमें ब्लू कलर भी है पल्ले पे, एक ये है और एक ये ब्लैक वाली है। ब्लैक वाली तो शायद मैं पहन भी लेती अब तक, लेकिन इसका कलर ब्लैक है तो किसी पूजा वगैरह वाले दिन तो नहीं पहन सकते, त्योहार पे नहीं पहन सकते, तो इसको तो पता नहीं कभी पहना जाएगा, कुछ नहीं पता। शादी वादी में पहन सकते हैं किसी की, लेकिन वही है कि शादी में बहुत कम जाती हूँ, पर चलो देखेंगे। ये तो कभी भी पहन सकते हैं, तो ये देखते हैं आगे कब पहनते हैं। और ये जो है, ये सारी साड़ियां आपकी देखी हुई है, ये तो मैंने पहनी थी शादी में अपनी भांजी की। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इन साड़ियों को रख रही हूँ। और हाँ, ये साड़ी भी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, ये मैंने मासियरों के जागरण में पहनी थी, मतलब मुझे बहुत सुंदर साड़ी लगी थी ये ग्रे वाली, और ये मुझे बहुत। तो अभी इन साड़ियों को हम रखेंगे। साड़ियों को इस तरीके से बैग में करके रखो ना तो बढ़िया रहता है, और जहां से ये साड़ी आई है ये बैग में ही आई है, तो फिर इनके बैग को फेंकना क्यों, यूज करना है। तो इसीलिए नई वाली ऊपर रख देती हूँ, ताकि जब भी पहननी होगी, ओहो इसका ब्लाउज भी बाहर है, इसी का ब्लाउज तो ढूंढ रही थी मैं, ये वाला ही तो ब्लाउज ढूंढ रही थी मैं। और इसे ढूंढते ढूंढते ओ इसको ये मिल गया, फिर मैंने सोचा ना उसका भी देख लेती हूँ, सारी साड़ियों का चेक कर लेती हूँ कि सबका है कि नहीं है। क्या होता है ना, जब आपको वहीं जाना हो अचानक से, फिर आप ढूंढने बैठो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब इसमें भी ब्लाउज है, इसमें भी है, इन दोनों में तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है, सारी साड़ियों में है। तो अब ये रखूंगी मैं उठा के, ये मेरी बिल्कुल न्यू साड़ी है, इसी साल वाली। वाला सूट ना मेरा नया बना था, आप लोगों को याद है मैंने पिछले महीने बनवाया था। तो ये वाले सूट को ना मुझे चेक करना था, कल मैं सूट डालने के लिए गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो भैया ने बोला वही सूट भेज देना जो आपका पिछली बार सिला है। तो मैंने कहा भैया वो तो मैंने चेक ही नहीं किया, तो कहने लगे उसको भी चेक कर लेना, पता चला कि फिर दोनों को ठीक करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चेक कर लूंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट आया है, फिटिंग एकदम ठीक आई है। मैंने बोला था मैं थोड़ा फिटिंग का सिलवाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा वेट लॉस करने के चक्कर में भी पड़ी हुई हूं मैं, और मेरा हुआ भी है। तो फिर क्या होता है ना कि फिटिंग आनी चाहिए, जो आप फैंसी अच्छा सा सूट बनवाते हो कहीं आने जाने के लिए। तो ये है इस तरह वाला था ये, और ये मेरी ही शॉप का था, शायद 1400 कुछ का था या 1500 कुछ का था, मुझे नहीं याद, ठीक से याद नहीं है मतलब। और ये तो अभी हैवी नहीं, एक भी पीस नहीं है इसका, इसके 10 पीस थे, 10 के 10 निकल गए, कलर अलग अलग थे, 10 या 12 पीस थे चार चार करके ना। तो ये कलर जो है मैंने रखा था। कैसा लग रहा है सूट बताना, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसी चक्कर में लिपस्टिक भी लगाई, मैंने कहा मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, अब मैं चेंज कर लेती हूँ। ये अलमारी में रखा हुआ था, मुझे भेजना था उस सूट के लिए। तो काफ़ी अच्छा सूट लग रहा है, कलर बहुत लाइट है लेकिन काफ़ी प्यारा सूट है। इस तरीके से स्लीव्स इस तरीके से हैं, जिन लोगों ने लिया होगा उनको पता होगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइट कलर। मैंने नहीं सोचा था कि ये सूट मुझे इतना पसंद आएगा। इसके साथ ना मैं सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनूंगी, जो मैंने अनशूज कलेक्शन से मंगाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले इयररिंग्स भी मंगाए थे, बहुत सुंदर सुंदर। तो इस सूट को जब भी पहनूंगी, किसी स्पेशल पे ही पहनूंगी, मतलब त्यौहार व्यौहार पे अभी नहीं। अभी तो ये जो है मुझे टेलर को ही भेजना है कि भैया मुझे परफेक्ट आया है ये सूट। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप लोगों को ना शायद फ्रंट कैमरे से इतना सूट पता ना चला हो, तो मैंने एक बार ना दिखा देती हूँ मैंने कहा। तो इस तरीके से है ये, बहुत ही प्यारा सूट है यार, ये मुझे इस वजह से पसंद आया था, बहुत ही सुंदर लगा सूट ना। ये इसके स्लीव्स हैं, आजकल इस तरह का ज़्यादा चल रहा है ना, और मैंने इसके साथ प्लाजो बनवाया है। तो ये लोग आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ खाना। खाना तो बना चुकी थी, मतलब परोस रही हूँ इनको,
तो अभी जो है ये लोग क्या मतलब मेरे बच्चे को दही चाहिए, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, बस दही चाहिए। दही के बगैर नहीं खाते ये खाना। तो भिंडी भी बनाई है, भिंडी भी दे देते हैं इनको। पहली प्लेट किसकी आप लोगों को बताइए? हमारी गुड़िया दादी की। अब तो वो नाराज हो जाती है कि पहली प्लेट उसको ना भी दो। उसके बाद तन्मय और तन्मय पापा एक साथ ही खा लेंगे ना। सबसे पहले आते ही टिफिन मांग देते बच्चे। लो जी लग गई प्लेट, चलते हैं देने के लिए और पूछते हैं उसको कैसी लगी। बच्चों को खाना खिला दिया है। मेरा तो व्रत है आज, तो मैं तो नहीं खाऊंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लग गई हूँ घर को देखने के लिए। कुछ चीज़ें जैसे बाहर रहती है ना, जिनको हम सुबह में रख देते हैं, या कपड़े हो गए या कुछ भी हो गया, तो उनको उठाने के लिए अभी बच्चे स्कूल से आए हैं ना, तो उन्होंने अपने शूज़ नहीं रखे। तो मैं इनको बता रही थी जो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा मैं ना भाग नहीं सकती तो दर्द होता है, तो यहाँ पर ये शूज़ वगैरह इन दोनों के कई बार अपने आप रख देते हैं उठा के, कई बार नहीं रखते हैं तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि हर बार बच्चों को भी पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता है कि तुमने क्यों नहीं रखे। तो कई बार होता है कि वो नहीं रखते तो मैं रख देती हूँ। उसके बाद जो है अब चलती हूँ बाहर, पहले अपने हाथ धोऊँगी। और हाथ धोने के बाद आज ना मेरे किचन के डब्बे जो है धोए गए हैं, जिनको मैं सामान लाई थी राशन का वो रखने के लिए। तो ये दालों के जितने भी डब्बे थे सारे के सारे धुले हैं। वैसे तो बीच बीच में जो भी दाल ख़त्म होती रहती है वो डब्बा धुलता रहता है, या जो भी चीज़ ख़त्म होती रहती है वो धुलती रहती है, लेकिन एक साथ सारा सामान एक बार मंजना भी ज़रूरी है। उससे सारे डब्बे एक साल लगते हैं देखने में साफ सुथरे, तो सारे के सारे मंजे हैं। दूध डालूंगी ना इसमें एकदम कलर ऐसे होगा, लग रहा है ना। साढ़े पांच का टाइम है और मैं चाय पी रही हूँ। शाम में चाय मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अकेले हूँ तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन भाई व्रत है मेरा तो मेरा मन कर गया है कि चलो चाय पी लेते हैं। अंदर तो थोड़ी गर्मी सी लग रही है, बाहर फिर भी ठीक है। इन्वर्टर बोलने वाला है, गुड्डू पड़ रही है, तो मैंने कहा मैं बाहर बैठ जाती हूँ, यहाँ बैठते हैं नीचे। शाम का टाइम और
मैं यहाँ पे दूध रखा है मैंने उबलने के लिए, और यहाँ पे मैंने निकाले हैं ये जवे, जवे मतलब ये बने बनाए हैं बाजार वाले हैं, और ये रोस्टेड हैं। लेकिन मैं क्या करूँगी, हल्का सा इनको फ्राई पैन में बिना घी के ही, या थोड़ा सा घी डाल लूँगी। ये मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ जो रोस्टेड वाले हैं, तो इनको हल्का सा कर लूँगी, प्रसाद बना रही हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। और खाने का मैंने पता दाल चावल सोचा हुआ था, ये वाली दाल और चावल। अभी डब्बे खाली, डब्बों में नहीं रखी दाल मैंने, क्योंकि डब्बे सारे मंजे हैं, तो एक ढक्कन पे ना लग रहा था, फिर कुछ मैंने दोबारा से मांझा तो वो गीला हो गया। अब लेकिन क्या हो गया ना, कृष्ण जन्माष्टमी कल की है, तो अब कल भी चावल और आज भी चावल, सब्जी का ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्या करूँ, रोटी सब्जी बना लूँ, कल बना लूँ चावल, ये सोच रही हूँ मैं, देखते हैं। तो यहाँ पर ना जो मैं दिखा रही थी आपको, जवे मतलब वर्मीसीली जो मार्केट से बनी बनाई मिल जाती है, वैसे तो ये रोस्टेड है, लेकिन मैंने सोचा कि हल्का सा घी में कर लेते हैं और अच्छा स्वाद आएगा और अच्छे बनेंगे। और मैं आपको बता दूँ, खीर हो या जवे हो, ये मैं नहीं खाती हूँ, बहुत ही कम, एक आधा चम्मच खा लिया, लेकिन बच्चों को और इनको पसंद है तो मैं बनाती रहती हूँ। तो फिर मैंने ये उबलते हुए दूध में डाल दिए हैं, क्योंकि दूध में उबाल आने के बाद ही जो है चावल हो या जवे हो वो डालने चाहिए। तो इनको मैं मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इनको कढ़ाऊँगी, और अंदर बच्चों के पास चलती हूँ, देखती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। नहीं, 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 नहीं। ये आ चुके हैं, और हमारे मीठे मीठे जो जवे हैं वो बन चुके हैं। तो पहले मैं भोग लगाऊंगी, उसके बाद इन लोगों को खिलाऊंगी। तो ये बोल रहे थे कि ये भी रख दे इसके अंदर चेरी, मैं मना कर रही थी, फिर उन्होंने रखी दी। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं मीठी मीठी सेवैयों के साथ। तो आप लोग भी खा लीजिए, और कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।